रायसीना हिल्स की रेस उम्मीद के मुताबिक रामनाथ कोविंद जीत गए हैं। एनडीए उम्मीदवार कोविंद 65.65% वोट के साथ देश के 14वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। विचारधारा के लिए लड़ी विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार को कुल 34.35% वोट मिले। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 17 जुलाई को हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविंद को जीत पर बधाई और शुभकामनाएं दी। 17 जुलाई को हुए मतदान में रामनाथ कोविंद को कुल 7,02,044 वोट मिले। वहीं मीरा कुमार को 3,67,314 वोटों पर ही संतोष करना पड़ा। साल 2012 के राष्ट्रपति चुनाव में प्रणब मुखर्जी को 7,13,763 और विपक्षी उम्मीदवार पीए संगमा को 3,15,987 वोट मिले थे। 8 राउंड में हुई वोटिंग की गिनती में कोविंद शुरू से अंत तक बढ़त बनाए रहे। पहले राष्ट्रपति भवन की मतदान पेटी को खोला गया, फिर अल्फाबेट के आधार पर राज्यों की मतदान पेटियों के मतों की गणना की गई। सभी वोटों की गिनती 4 अलग अलग मेजों पर की गई और 8 दौर में गिनती पूरी हुई। इस बार करीब 99% मतदान हुआ था। संसद भवन के एक मतदान केंद्र सहित अलग अलग राज्यों में 32 मतदान केंद्र स्थापित किए गए थे। चुनाव में कुल 4,896 मतदाता वोट देने के पात्र थे, जबकि विधान परिषद वाले राज्यों के MLC इलेक्टोरेट कॉलेज का हिस्सा नहीं है।